सुबह टाइम्स दिल्ली खबरों के साथ तेज रफ्तार में फाइल सबकी खुलेगी। कोई भी हो भ्रष्टाचारी अपराधी जाएंगे जेल। राजनीतिक मुद्दा हो या सामाजिक न्याय, सबको एक समान मिलेगी। आ रहा हूँ आपकी फाइल खोलने, मैं हूँ लालचंद सोनी। हमको लाए हैं, हमें उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, हमें उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम योगी जी लाएंगे। पूरे देश में हम फिर से भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं, हमें उनको लाएंगे। पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आज सभी का स्वागत है। इस वक्त लता चौक पर हूं, जहां आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ के साथ यहां पर प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि पर आज आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी यहां पर आने वाले वक्त में लाखों की संख्या में यहां पर प्रभु श्री राम जी के कुछ भक्त ऐसे हैं जो साइकिल से भी आ रहे हैं और पग यात्रा भी कर रहे हैं। तो आइए उन सभी को शुभकामनाएं, उनका यात्रा मंगलमय के साथ प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि तक पहुँचा है। आइए हम पूछते हैं जी, स्वागत है। कैसा लग रहा है सर? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अयोध्या की इस पावन भूमि पर आकर मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं महाराष्ट्र के पुणे में रहता हूँ, जैसे मैं राजस्थान का निवासी हूँ, सीकर जिले का। और मेरा एक छोटा भाई साइकिल से आया था यहाँ पर, तो इसके लिए मैं भी वहाँ पुणे से यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ का जो भक्तिमय माहौल मैंने देखा अयोध्या में, इतना काम अपने भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर यहाँ पर बना है, बड़ी खुशी की बात है हम सब हिंदू भाइयों के लिए। 500 वर्ष के वनवास के बाद हमारे भगवान श्री राम जी मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, और इससे बड़ी गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। अभी इस पावन वेला में अपने जो विपक्षी पार्टी है, अपने जो भारत की, उनको भी न्योता दिया गया है, लेकिन कुछ उनका बहिष्कार कर रहे हैं कि हम उसमें नहीं जाएंगे, उनका अभी मंदिर का काम पूरा ही नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ। जबकि इतना बढ़िया मंदिर बना है कि यहाँ देखने मात्र से ही ऐसे हो रहे, तो सोचो दर्शन से क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर मुझे तो अयोध्या में आके बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। और मैं तो सभी जो राम भक्त हैं उनको कहना चाहूँगा कि एक बार जरूर अयोध्या में आकर भगवान श्री राम की इस पावन भूमि को नमन करते हुए यहाँ के दर्शनों का लाभ हमें लेना चाहिए। और ये 500 वर्ष के इतिहास में पहला मौका है हिंदू भाइयों के लिए, और बड़े गर्व की बात है। और यूपी में मैं जहाँ से गुजरा हूँ, बहुत ही विकास हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी में बहुत अच्छा विकास हुआ है, और यहाँ पे जो गुंडा राज था वो भी खत्म हुआ है। और मोदी जी के राज में भारत जिस तरीके से सनातन संस्कृति का जिस तरीके प्रचार प्रसार हो रहा है, अपने मंदिरों का भव्यकरण किया जा रहा है। आप काशी विश्वनाथ को देखो, उज्जैन के महाकाल को देखो, और अपना भी अयोध्या का जो भगवान श्री राम का मंदिर बना, बड़ा ही अद्भुत है और बड़ी ही सुंदर रचना से इसको बनाया हुआ है। और इतने राम भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, देख देख कर मन हर्षित हो रहा है। मैं एक दो लाइन कहना चाहूँगा, गुनगुना दीजिए सर, कि जो राम को लाए हैं हमें उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हमें उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम योगी जी लाएंगे। पूरे देश में हम फिर से भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हमें उनको लाएंगे। पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जिस तरह से देश विदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 54 देश के प्रतिनिधि और 100 सदस्य यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, यहाँ पे सभी मैं बहुत सभी को शुभकामना देता हूँ कि यहाँ पर 150 से ज़्यादा देशों के अतिथिगण भी अयोध्या में आ रहे हैं, और देश विदेश से बहुत बड़े जो मेहमान हैं वो सभी आने वाले हैं। और यूपी में जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है, बड़ी चाक चौबंद है। हमारे यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं जो हैं, सभी अच्छी तरीके से सेवा में लगे हुए हैं। जहीं कहीं देखो, एकदम बहुत ही बढ़िया व्यवस्था योगी जी ने की है। और मैं एक बार फिर से उत्तर
प्रदेश की सरकार को, योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी उन्होंने कानून व्यवस्था और हर तरह की व्यवस्था यहाँ यूपी में बनाई है। बहुत ही बड़ी उनकी उपलब्धि है जी। अभी एयरपोर्ट भी बन गया है, वो एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा बना है। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन का जो ये कार्य किया है वो भी बहुत ही बढ़िया किया है। मैं तो कहने का मतलब, जो भी मैंने यहाँ का विकास देखा, इतनी तेज गति से विकास आज तक नहीं हुआ है। विकास हो ही रहा है सर, हो ही रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि विकास से विकास होता रहेगा। और 2024 में आपको एक बात फिर कहना देना चाहता हूँ, मोदी जी 400 से ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये त्रेता युग और जैसा लग रहा है आपको? पूरा त्रेता युग और अपना जो द्वापर युग है उसी के जैसा लग रहा है। उस समय भी जो राक्षस थे हुआ करते थे, और आज के युग में भी राक्षस हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो राम का विरोध उस समय भी लोग जो राक्षस थे करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन जो राम दर्शन के लिए यहाँ आए वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये जन्म जन्म से हमें मौका मिला है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारी आंखों के सामने राम मंदिर बनते हुए हमने देखा है। बड़े सौभाग्यशाली हम कि हमारी नजरों के सामने हम राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम सभी हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। जय श्री राम। आज ये पूरा संपूर्ण भारत जो है राममय हो चुका है, क्या कहें। बहुत ही, जहाँ देखो यही राम नाम की धुन चल रही है। आप राजस्थान जाओ, आप गुजरात जाओ, आप महाराष्ट्र जाओ, आप चाहे यूपी में आओ, किसी गांव में जाओ, किसी शहर में जाओ, हर जगह पर जय श्री राम के नारों से सभी गूंज रहे। जी, 22 जनवरी को हम सभी को क्या करना चाहेंगे? 22 जनवरी को मैं सभी राम भक्तों से यही विनती करूंगा और सभी सनातनियों से और सभी हिंदू भाइयों से मैं विनती करूंगा कि अपने घर में भगवान श्री राम के लिए 5-10 दिए जरूर जलाएं। अपने मंदिर, जो आसपास के मंदिर है, जो अयोध्या ना आ सके, अपने आसपास के मंदिरों में जाकर भगवान श्री राम के भजनों का आनंद लेवे और वहां पर भगवान श्री राम के लिए गुणगान करें, दीप जलाएं, पटाखे जलाएं और खूब सारा अपने दीपावली के जैसे एक महा दीपावली मनाएं। ये कहना चाहता हूँ। स्वागत है आपका। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज संपूर्ण भारत वर्ष राममय हो चुका है, जहाँ प्रभु श्री राम जी के भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। और आज भारत ही नहीं, संपूर्ण दुनिया अगर कह लीजिए तो भी भारत आज राममय हो चुका है। तो कितनी खुशी है कि यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों का, जिस तरह से पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं और भी जिस तरह से सुख सुविधाएँ आ रहे हैं, तो हम सभी आप सभी देशवासियों से खास अपील है कि आप 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, यदि आप यहां आ रहे हैं तो 22 को ना आए, 22 के बाद जो है सुविधा अनुसार आपको आना चाहिए और सब परिवार सहित, और 22 जनवरी को अपने भाव जो है अपने आसपास मंदिर, मठ मंदिर और घरों में दीपावली जैसे सजाएं और कीर्तन भजन करें सभी को मिलाकर। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।